देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय हेल्ड फ्रॉम, लाला लाजपत राय का जो निवास स्थल है वह कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल। देखिए जो लाला लाजपत राय हैं यह पंजाब के रहने वाले थे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लाला लाजपत राय। तो और इन्हीं को हम लोग पंजाब के, सॉरी यहाँ पर यह हो जाएगा लाला लाजपत राय पंजाब, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो पंजाब यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इन्हें हम लोग पंजाब केसरी के नाम से भी जानते थे, तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। तो ये हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन है, जी और एच एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, यदि एच अकेला इसे 50 दिनों में कर सकता है तब जी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो ये देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि माना जो जी है माना कि ये क्या कर सकता है, उसी कार्य को एक्स दिन में कर सकता है, तो एक्स दिन में कर सकता है, तो यहाँ पर जी और एच का कार्य कितने दिनों में है करते हैं, 30 दिनों में कर सकते हैं, 30 दिनों में करते हैं, तो यहाँ पर हम 1/30 लिख देते हैं। और कह रहा है कि यदि एच अकेला कितने दिनों में कर रहा है, 50 दिन में, तो 1/50 हो गया। जी हमने मान लिया है कितने दिनों में कर रहा है, एक्स दिन में, तो एक्स दिन में यहाँ पर 1/x कर देंगे। अब यहाँ पर x का मान हम अगर निकाल लें तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा कि जी हमारा कितने दिनों में करेगा, तो 1/30 हो जाएगा माइनस 1/50 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो ये कितना आ जाएगा हमारा कट पिट के, ये आ जाएगा, ये 150 नीचे आ जाएगा, और इसके बाद इसे करेंगे तो ये 3 हो जाए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 3 है, तो यहाँ पर ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, इसके माने से ये कितना, 50, 3 हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/x इक्वल टू कितना आ गया, 2/150 आ गया। तो x का मान कितना आ जाएगा, 50, 150/2 यानी कि 75, यानी कि यहाँ पर x का मान 75 करेक्ट हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 75 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूमि के चारों ओर 3.5 मीटर मार्ग चौड़ा है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कैसे आप लोग ज्ञात करेंगे? देखिए मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो तरीका है, इसके लिए एक तरीका यही है कि ये जो यहाँ पर है इसका कह रहा है, यहाँ पर जो रेडियस दिया गया है त्रिज्या, ये जो रेडियस है इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो ये हो गया जो त्रिज्या दिया गया है, ये कह रहा है कि 7 मीटर का है, कह रहा है अब इसके चारों ओर जो दिया गया है, ये कह रहा है जो पट्टी दिया है 3.5 मीटर का है, तो इसके कह रहे इसके चारों 3.5 मीटर का एक ऐसे वृत्ताकार और बनाया गया है, कह रहा है मार्ग चौड़ा, यही मार्ग है, ये जो है आपका डैश डैश ये जो दिख रहा है यही मार्ग है, इसी का आपको बताना है क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे कि ये जो बड़े वाले का क्षेत्रफल है उस बड़े वाले क्षेत्रफल में से नीचे वाले का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे, तो जब नीचे वाला क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कैसे, आइए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो मार्ग का क्षेत्रफल है, ये जो मार्ग का क्षेत्रफल है, तो मार्ग सहित भूमि का क्षेत्रफल यानी कि बड़े वाले में से छोटा घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालें तो कितना आ जाएगा, तो बड़ा वाले का क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल, इसको अगर हम लोग कैपिटल आर यानी कि मान लें तो ये देखो कैपिटल आर के मान कितना दिया गया है, पाई आर स्क्वायर होता है ना बड़े वाले का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर यानी कि छोटा आर और बड़ा आर दोनों का हम लोग यहाँ पर स्क्वायर करेंगे माइनस, इसके बाद क्या करेंगे, ये जो अंदर वाला है इसको हम लोग हटा देंगे, तो इससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पाई यहाँ पर कैपिटल आर का मान अगर देखें तो कैपिटल आर का मान ही हमारा टोटल जो हो जाएगा
यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हमारा स्क्वायर रहेगा आर, आर मतलब ये छोटा नीचे वाला, अंदर वाला घटा देंगे हम लोग, तो अंदर वाला घटा देंगे अगर, तो कितना घटाना है हमें, यानी कि 7 वाला हमें घटा देना है। तो ये हो जाएगा आपका कि मतलब यहाँ से जो टोटल है, पहले बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया हम लोग घटा देंगे, तो यही चीज़ यहाँ पर किए हैं। तो बड़े वाले का जो एरिया है 7 प्लस 3.5 को होल स्क्वायर माइनस का ये अंदर वाला घटा देंगे 7 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तो इसके बाद पाई हो जाएगा, इसका बाद ये कितना हो जाएगा, 7 3 10 10.5, तो 10 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले का फार्मूला लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, पाई का मान हम लोग 22/7 रख देते हैं, तो 22/7 हो गया गुणे। अब ये देखिए इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.5 प्लस 7 यानी कि 10 7 17.5 हो जाएगा, 1 17.5 गुणे। अब एक बार 10.5 में से 7 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3.5 आ जाएगा, तो 3.5 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 5 35 यानी कि 10.5 आ जाएगा। तो अब इसका जब गुणा करेंगे हम लोग तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 192.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जब इसका हम लोग गुणा करेंगे, या फिर ये जो 10.5 है इसका जब यहाँ पर कटेंगे तो भी ये 11 गुणे, अब 17.5 करेंगे तो 192.5 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 192.5। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए बी जेड डब्ल्यू एस एम दिया गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देख अगला अक्षर क्या है यही आपको बताना है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर बी लिख देते हैं, जेड डब्ल्यू एस, और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा दूरी पर हम लिख देते हैं इसे एन, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा यही आपको बताना है। तो देखिए जो बी है, बी में से अगर हम लोग 2 घटा दें, बी में से अगर 2 घटाएंगे तो ये हमारा जेड आ जाएगा, और जेड में से फिर जब 2 और यहाँ पर 3 और पीछे जाएंगे तो हमारा डब्ल्यू आ जाएगा, अब डब्ल्यू में से जब 4 अक्षर और पीछे जाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यस आ जाएगा। अब यस में से जब हम लोग 5 अक्षर पीछे जाएंगे तो ये हमारा एन आ जाएगा, एन में से जब हम लोग 6 अक्षर पीछे जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, एच आ जाएगा, तो एच यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब है 6 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 14 6 28, तो 14 6 और 28 का चतुर्थ अनुपात क्या है। तो देखिए चौथा अनुपात ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ए अनुपात बी है, ए बी सी और डी कोई 4 हैं, तो इसमें यही जो चौथा अनुपात है यही आपको बताना रहता है, और इसमें जो फार्मूला बनता है वह ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी वाला फार्मूला हमेशा बनता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, चौथा अनुपात निकालना है तो हम लोग डी का मान निकाल लेंगे, यानी कि क्या आएगा, 14 है, फिर 6 है, फिर इसके बाद 28 है, फिर कह रहे कि अगला यहाँ पर क्या आएगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये यक्स है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इस फार्मूले के अनुसार ये जो फार्मूले हम लिखे थे इस फार्मूले के अनुसार आ जाएगा, 14/6 = 28/x। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 14 दूना कितना हो जाएगा, 28, तो ये 6 दूना 12, यानी कि एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 12 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। अगला है, डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है, ये दोनों एक साथ कार्य करें तो वे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि डी एक, ये डी है और ये हमारा ई है, ठीक, डी कह रहा है कि 18 दिनों में कर सकता है और कह रहा है ई उसी कार्य को आधे समय, आधे समय मतलब ये 9 दिन में कर ले रहा है, तो डी अगर 18 दिन में कर रहा है तो ई आधा समय यानी कि 9 दिन में कर लेगा। अब अगर हम दोनों का एलसीएम ले लें तो ये कितना आ जाएगा हमारा,
18 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 18 ही आएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अगर भाग दें तो ये 18 1 और ये 9 दूना 18 आएगा। तो ये हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ पर दोनों को कितने दिनों में करेगा, तो देखिए दोनों को कार्य करने के लिए हमारा टोटल कार्य कितना हो जाएगा, टोटल कार्य हमारा 18 है, 18 हो गया। और इसके बाद ये दोनों मिल के कर रहे हैं तो यानी कि 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 18/3 हो जाएगा। तो 3 6 18 ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिख रहा है, तो डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 6। तो ये हो गया हमारा, शॉर्ट का ट्रिक है ये सॉल्व करने का, इसे आप लोग जरूर जान लें। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रत्येक 15,000 की दर से 15 लैपटॉप खरीदे गए और सभी को 2.97 लाख में बेच दिया गया है। कह रहा है यहाँ पर कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो देखिए इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो लैपटॉप खरीदे गए हैं 15 लैपटॉप 15,000 रुपये के दर से, तो ये टोटल कितने रुपए का खरीदा गया है, तो इसको हम लोग सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 15,000 रुपये दिया है इसी में हम लोग 15 का गुणा करेंगे, तो ये हमारा 15 लैपटॉप का दाम निकल आएगा। तो 15 लैपटॉप का दाम निकालने के लिए हम लोग गुणा कर देंगे, 15 15 225, इसके बाद 3 0 हमारा लग जाएगा। ये हो गया हमारा 15 लैपटॉप का टोटल खरीद, और इसको हम कितने में बेच रहे हैं, देखिए 2,25,000 में हम लोग खरीद रहे हैं, लेकिन बेच कितने में रहे हैं, 2,97,000 रुपये में। तो 2,97,000 रुपये में हम लोग बेच रहे हैं, लाभ कितना हो रहा है, तो देखिए जो 2,25,000 के ऊपर जितना भी हम लोग कमा रहे हैं वही हमारा लाभ है। तो कितना, 297 यहाँ पर हजार में से 225,000 अगर हम लोग घटा देंगे तो हमारा कितना हजार बचेगा, 72,000 रुपये लगभग बच जाएगा। तो 72,000 रुपये हमारा बच जाएगा, यही 72,000 हमारा क्या है, लाभ है। तो ये लाभ हम लोग किस पे कमा रहे हैं, ये जितने पे हम लोग खरीदे थे उसी पर तो लाभ कमाया जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2,25,000 रुपये था हमारा, तो 2,25,000 रुपये ये आ गया, 72,000 हमारा ये लाभ है, और ये हमारा क्या था, क्रय मूल्य। तो इनको जब हम लोग 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा लाभ निकल कर चला आएगा। तो ये लाभ हमारा परसेंटेज में आएगा, इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 0 से ये 3 0 कट गए, और यहाँ पर जब करेंगे तो ये हमारा टोटल और टोटल 72,100/225 जब करेंगे तो ये हमारा टोटल 32 बार में ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 32% यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 32%। अब अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब वापस आए थे, 1905 ईस्वी में, 1920 में, 1915 में, 1910 में। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी भारत वापस आए थे वह सन 1915 ईस्वी में आए हुए थे। यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सन 1915 में भारत वापस आने से पहले महात्मा गांधी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने भारत आकर समूचे भारत का भ्रमण किया और किसानों, मजदूरों और श्रमिकों को अधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए एकजुट किया। और 1920 में इन्होंने क्या किया था, देखिए 1920 में महात्मा गांधी जो थे यह असहयोग आंदोलन चलाए थे। तो असहयोग आंदोलन जो चलाए थे महात्मा गांधी वह 1920 में चलाए थे। इसके बाद 1930 में क्या हुआ था कि इन्होंने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। और इसके बाद 1942 में इन्होंने क्या किया था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। तो ये 1942 है, याद रखिएगा। तो ये डेट आपसे अक्सर पूछा जाता है तो इसे भी आप लोग याद जरूर कर लें। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में आपका नमक सत्याग्रह, 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद है कि सदृश्यता को पूरा कीजिए, कंप्लीट द एनालॉजी, ग्रीफ, हैप्पीनेस, डिफिडेंस। तो डिफिडेंस है यानी कि शोक अगर खुशी से संबंधित है, शोक अगर खुशी से संबंधित है तो संशय किससे संबंधित होगा।
तो देखिए, ग्रीफ ग्रीफ शोक होता है, ग्रीफ मतलब होता है आपका शोक, शोक का विलोम क्या होता है, हैप्पीनेस यानी कि खुशी होता है। इसी प्रकार संशय का विलोम का क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है। तो संशय यानी कि विलोम जो होगा वह कॉन्फिडेंस यानी कि संशय रहित, कॉन्फिडेंस यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी संशय रहित, तो संशय था संशय रहित ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद है आपका ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा चला गया कि एक्स अनुपात 3/7 समानुपात 7/9 अनुपात 5/9 में एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए वही हम लोग लगाएंगे कि अगर एक्स अनुपात वाई और यहाँ पर दिया है ए अनुपात अगर बी दिया है, तो इसके लिए हम लोग वही निकालते हैं एक्स बाई वाई इक्वल टू ए बाई बी, यही एक फार्मूला हम लोग जानते हैं इसके लिए, तो इसके अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्स बटा 3/7 करेंगे, ये 3/7 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 7/9/5/9। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे कि हमारा x का जो मान आएगा x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 7/9 × 3/7 और इसके बाद गुणे में क्या आ जाएगा हमारा 9/5 आ जाएगा, यही आएगा हमारा। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, इसके बाद एक्स का मान हमारा क्या आ जाएगा 3/5। 3/5 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला श्रेणी में छूटा हुआ पद ज्ञात करना है, तो छूटा हुआ पद क्या है, कैसे सॉल्व करना है, आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये जो ए है, एक इसको रुक जाइए हम इस तरह से लिख दें, ए सी सॉरी इसे हम थोड़ा मिटा दें, यहीं पर देख लेते हैं हम लोग। देखिए ए है यहाँ पर, ए में से जब हम +3 करेंगे, +3 यहाँ पे देखिए ए में हम जो +3 करेंगे तो ये हमारा डी आ जाएगा, डी में जब हम लोग एच करेंगे तो इसमें +4 कर रहे हैं तो ये हमारा एच आ रहा है, एच में इसके बाद हम लोग जब +5 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा एम आ जाएगा, यहाँ पर हमारा एम आ जाएगा, तो पहला अक्षर एम हमारा पता चल गया। फिर यहाँ पर जब हम लोग 6 करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर 6 आ जाता, यहाँ पर हमारा 6 करते हैं तो 6 करते हैं तो हमारा यस आ जाता, ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पर देखिए सी है, सी है इसमें जब हम लोग 4 जोड़ेंगे, सी में जब हम लोग 4 जोड़ेंगे तो ये हमारा जी आएगा, फिर इसके बाद जब हम लोग इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हमारा एल आएगा, फिर इसके बाद जब हम लोग 6 जोड़ेंगे यहाँ पर, जब 6 जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर आर आ जाएगा, तो एम इसके बाद 1 आर आ जाएगा, तो एम आर यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऐसा दिख रहा है, तो एम आर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन है, 1 + 2/3 इसके बाद भागा है, 1 + 1/3 भागा 2/3 + 1 है, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दिया है इसको 1 + 2/3 कर देते हैं, इसके बाद भाग यहाँ पर हो जाएगा, इसके बाद ये क्या हो जाएगा 1 + 1/3 है भागा है, इसके बाद 2/3 + 1 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 × 9 = 3 2 5/3 आ जाएगा, इसके बाद भागा ये कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, इसके बाद ये भागा है तो ये भागा हो गया, इसके बाद ये कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। अब देखिए ये जो भाग है, जब भाग के इधर हमारा जो रहता है ये पलट जाता है जब ये हम लोग भाग को हम लोग गुणा में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा 5/3
तीन हो गया, इसके बाद भागा हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4/3 गुणे 3/5, तब ये हमारा 3 से ये 3 कट गया तो हमारा क्या हो जाएगा, 5/3 भागा 4/5। अब इसको जब हम लोग बदलेंगे भाग को गुणा में तो ये हमारा 5/3 गुणे 5/4 हो जाएगा, तो यानी कि 5 5 25/12, 25/4 = 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वाहारी नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओमनिवोर। तो देखिए जो सांप होता है यह सर्वाहारी प्राणी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्नेक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यह एक मांसाहारी जंतु है, मांसाहारी में वे जंतु शामिल होते हैं जो सिर्फ मांस का सेवन करते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ आदि। तो ये हो गया, सर्वाहारी में वे प्राणी शामिल होते हैं जो मांसाहारी और शाकाहारी भोजन लेते हैं, जैसे मानव, भालू, चूहा, चींटी आदि। शाकाहारी वे जंतु होते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे कि गाय, घोड़ा। और तो यहाँ पर हमारा सर्वाहारी नहीं है, तो सांप जो है यह सर्वाहारी नहीं है, यह क्या है, जो सांप होता है यह आपका मांसाहारी जंतु है। अब देखिए यहाँ पर है, यदि पी अनुपात क्यू अनुपात आर इक्वल टू 1/3 / 2/3 / 1/4 है और क्यू का मान 56 है, तो पी माइनस आर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है पी, क्यू और आर, ये दिया गया है, पी का मान यहाँ पर दिया गया है कितना, 1/3 दिया गया है, और यहाँ पर क्यू का मान कितना दिया गया है, 2/3 दिया गया है, और यहाँ पर आर का मान कितना दिया गया है, 1/4। अब देखिए यहाँ पर सबका, यहाँ पर हर क्या है, 3 है, 3 है, 4 है, तो इन सबके में से अगर हम लोग एलसीएम ज्ञात कर लें तो हमारा कितना आएगा, 12। तो 12 आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, 12 का गुणा सब में कर देंगे, तो 12 का गुणा जब हम लोग कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब एक इक्वल लाइन में बदल जाएगा, फिर ये 3 से जब 12 काटेंगे 3 चौका 12 हो जाएगा, ये अनुपात लगा देंगे, फिर ये 3 चौका 12 यानी कि 4 आएगा, 4 दूना फिर 8 आ जाएगा, अनुपात लग जाएगा, फिर ये 4 3 12, यानी कि अब हमारा पी, क्यू और आर में जो अनुपात है ये हमारा अब क्या हो गया, फ्रैक्शन के रूप में नहीं बल्कि अब ये अंक के रूप में आ गया, कि ये जो पी, क्यू और आर हैं ये हमारा 4 8 और 3 के अनुपात में है, तो ये हो गए 4 8 और 3 के अनुपात में। और यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि अगर क्यू का मान 56 दिया है, यहाँ पर जो क्यू का मान दिया है यही हमारा क्यू है, क्यू का मान ये 56 दिया है, तो क्यू का मान ये 56 कितना गुना कर रहा है, तो 8 7 56, ये 7 गुना कर रहा है, तो यानी कि ये जो अंक है ये भी हमारा 7 गुना हो जाएगा, यानी कि 7 3 21, यहाँ पर ये हमारा 21 आ जाएगा आर का मान, इसको हम लोग 7 गुना कर रहे हैं तो ये हमारा 7 गुना हो गया, इसको भी जब हम लोग 7 गुना करेंगे तो 7 4 28 हो जाएगा। अब देखिए कह रहे हैं कि पी माइनस आर का मान आपको ज्ञात करना है, तो पी माइनस आर यानी कि 28 में से आप अगर 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 7। तो 7 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच कैन नॉट बी करेक्ट विथ स्पेक्टल्स, तो स्पेक्टल्स के लिए कौन सा सही नहीं है, यानी कि चश्मा को ठीक नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इसके बाद है कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद, इसके बाद है मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। तो जिसको चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता है वह रहता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद को हम लोग चश्मे से ठीक नहीं कर सकते हैं, मोतियाबिंद चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता है। मोतियाबिंद आंखों का एक सामान्य रोग है, यह 55 से लेकर 60 वर्ष की उम्र में ज़्यादातर होता है, और यह उसी 55 से 60 वर्ष की उम्र के ऊपर के ही व्यक्ति में पाया जाता है, हालांकि अब कहीं कहीं और पहले भी हो जा रहा है, और शल्य क्रिया ही इसका एकमात्र इलाज होता है, और लेंस के धुंधलापन को ही हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। तो हमारे आँख का जो लेंस होता है अगर वो उसमें धुंधपन आ रहा है, धुंधलापन, तो वही हमारा क्या होता है, मोतियाबिंद होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ वो लोग ज़रूर
शेयर करें। और हमारा एक ऑब्जेक्टिव जीके नाम से चैनल है जिस पर आपका जनरल अवेयरनेस या जीके जीएस के क्वेश्चन या थ्योरी के रूप में पढ़ाया जाता है, तो आप लोग उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।